गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। देखिए आज हम साइंस के अंदर वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता है चैप्टर 2 है हमारा प्राणियों में पोषण। हमने पिछली वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, और हमने बताया था कि जटिल जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें अगर सरल पदार्थों में हम तोड़ लें तो उसी को पाचन कहते हैं। यही प्रक्रम हमारा पाचन का होता है। हमने खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां भी पढ़ी कि किस किस तरीके से खाते हैं हम। जैसे कि कोई जो है ना, कुछ जानवर चूसते हैं, कुछ निगल जाते हैं, कुछ चबा कर खाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अंतर्ग्रहण होता है। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा मानव में किस तरीके से पाचन होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। आपको पता है हम कहाँ भोजन रखते हैं? सबसे पहले मुंह के अंदर रखते हैं। चबा चबा कर हम भोजन को खाते हैं, तो अंतर्ग्रहित हम मुंह से करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इसको हम पचाते हैं। इसके पचने के बाद ही इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। आहार के बिना, आहार का बिना पचा भाग जो होता है मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन का क्या होता है? देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें बताती हूँ। इसमें आपको जो है चैप्टर को भी रीड करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगी, जिससे आप जो है ना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। पाचन तंत्र हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर का बहुत ही एक खास प्रक्रम है, खास हिस्सा है। देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको, आप डायग्राम पे नज़र रखिए अपनी। डायग्राम आपको जो है ना उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जितना आपको रीड करने से भी समझ नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात ये कि ये जो यहाँ से लेके आपका शुरुआत होती है मुंह से, मुख गुहिका से या मुख गुहा से, मुख गुहा से लेकर के गुदा तक, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये जो है आपका पाचन तंत्र बनाता है। ये पूरी जो आहार नाल, इसको पूरी को क्या कहेंगे हम? आहार नाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आहार नाल कहलाती है। अब आपको देखिए आहार नाल आप पूरा जो है ना बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। हर एक इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे अंगों के बारे में, हर एक अंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पर अभी हम छोटे तौर पर ये बता देते हैं कि सबसे पहले देखिए हम कहाँ जाएंगे। जो खाना होता है कहाँ जाता है? मुख गुहिका में जाता है। कहाँ जाते हैं? मुख गुहिका में जाता है। मुख गुहिका के बाद आप यहाँ देखिए, ये आपने देखा, ये जो है ना ये दो नलियों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये एक नली तो खाने की होती है, तो ये खाना लाती है, और जो दूसरी नली होती है ये किसकी होती है? सांस की नली होती है, जो यहाँ बाद में फेफड़ों के अंदर चली जाती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है। अब क्या होता है, कई बार खाना जो है इस नली की बजाय इस नली में भी तो जा सकता है, चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अंग होता है, लैरिंग्स बोलते हैं जिसे, जिसमें एक छलनी जैसा होता है जिससे नीचे नहीं जा सकता और बार बार यहाँ से उछलता है। कभी कभी आपको होता है खाना खाने के दौरान खांसी आती है, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जब खाना आपका यहाँ पर अटक जाता है और वो उछल उछल के वापस जो है ना खाना इसी नली में पहुंच जाता है। तो आप सबसे पहले मुखगुहिका में खाना गया, उसके बाद जो है ना ये नली, यहाँ तक इस नली को ना ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका नली। और उसके बाद यहाँ आकर इस नली को हम ग्रास नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, खाना यहाँ पहुँचता है, ये हम कहते हैं आमाशय, यानी कि हमारा पेट, स्टमक। और आमाशय के बाद में ये जो है ना, ये खाना ये आता है यहाँ पर। आमाशय के बाद में जो खाना है ये घूम करके यहाँ से इस तरफ से कहाँ आता है? अंदर, इधर। ये इसमें, ये है हमारी छोटियाँ, ठीक है।
तो हमारी छोटी आंत में खाना आता है, और छोटी आंत में आने के बाद खाना बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में से खाना जो है पच जाता है लगभग पूरा, और जो खाना बच जाता है मतलब जो पचता नहीं है या वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ से बाहर चला जाता है, गुदा से। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो आपके मुख गुहिका ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, ये जो है ना ये पूरा मिलकर आहार नाल बनाती है। मैंने आपको बताया भोजन जो है इन सारे भागों से गुजरता है, और उसके विभिन्न घटकों का पाचन जो है ना अलग अलग जो है ना अंग करते हैं, ठीक है। कुछ जो ग्रंथ होते हैं उनमें रस निकलता है, पाचक रस होते हैं, ये पाचक रस आपको क्या करेंगे खाने को सरल रूप में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग भाग यहाँ पर होते हैं। अब क्यों हमने ये एक पूरा टॉपिक जो है ना शॉर्टली ब्रीफली पढ़ लिया है, पर अब हम इसके हर एक अंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक अंग को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से आज हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं मुख गुहिका के बारे में, ठीक है। मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे, मुख गुहिका क्या होती है, या फिर हम जो है ना ऐसे करते हैं कि आज आपको यहीं पर छोड़ते हैं, मानव के पाचन तंत्र पर छोड़ते हैं, इसका डायग्राम आप CW के अंदर बनाएंगे, अंगों के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही कीजिए, आप आहार नाल क्या होती है इसके सारे अंगों को लाइन वाइज याद कीजिए, क्या क्या कहाँ पर है, इस चित्र को अपने दिमाग में जो है ना बिठा लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मुख और मुख गुहिका, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए आप इसे याद कीजिए, बनाइए CW में। थैंक यू।